नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। वहीं महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा आपको ले चलते हैं। लोकसभा चुनावों में कुछ ही दिनों का अब समय बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी दौरान चुनावी रैलियों में किसी भी तरह के विवादित और आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग पहले ही सख्त हिदायत दे चुका है। बावजूद इसके नेता इस तरह की बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव आयोग में अब तक कई शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भाजपा नेता, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर अपने पद का दुरुपयोग कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उन्हें तत्काल गृह मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अतुल लोंढे का कहना है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आयोजित एक बैठक में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राम सातपुते सोलापुर लोकसभा क्षेत्र ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और उन्होंने मांग की कि कोविड काल के दौरान समुदाय के कुछ सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामले अब वापस लिए जाएं। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस बैठक में उपस्थित लोगों को आश्वासन भी दिया कि वो उन अपराधों को वापस लेंगे और चिंता का कोई कारण नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सोलापुर से बीजेपी उम्मीदवार राम सातपुते का नामांकन रद्द किए जाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान इस तरह प्रलोभन देना और वादा करना आचार संहिता का उल्लंघन है। मुंबई से मंगला वागे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, अपने पद का, गृह मंत्री पद का दुरुपयोग किया है। राम सातपुते जो कि सोलापुर के उम्मीदवार है लोकसभा के, उन्होंने उन्हें फोन करके कहा कुछ लोगों पे 353 का गुनाह दाखिल है कोविड के जमाने से, उसे वापस लेना है। फोन पर उन्होंने कहा हाँ हाँ हम जरूर वापस ले लेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये पक्का है। तो इसमें दो चीजें हैं। पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक वर्डिक्ट में ये कहा है कि ऐसे गुनाह वापस लेने के लिए एक समिति होगी और समिति के सिफारिश के अनुसार, उसके रिकमेंडेशन के अनुसार ही इसको वापस लिया जा सकता है। तो फिर चुनावों को सामने रखकर ऐसी बात करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और मतदाताओं को प्रभावित करने की बात है, सीधा सीधा साफ साफ दिखता है। हमारी चुनाव आयोग से ये विनती है कि इन्हें इनके गृह मंत्री पद से तत्काल दूर किया जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए क्योंकि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जानकारी के साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल लोंढे जी, एमकेएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, तो ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके के आरोप आपने बीजेपी पर लगाए हैं? देखिए, सरकार में रहते हुए और विशेषकर गृह मंत्री पद पर रहते हुए आप मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकते, और विशेषकर जब गुनाह वापस लेना हो और जिसे 2-3 साल हुआ हो, तो आप चुनाव के वक्त आपका प्रत्याशी राम सातपुते जो सोलापुर से चुनाव कंटेस्ट कर रहा है वो फोन करता है और स्पीकर फोन पे सबको सुनाता है कि 353 के केसेस है, तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम 100% वो गुनाह जो सारे है वो वापस ले लेंगे। इसमें दो चीजें होती है, एक तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और दूसरा उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है, जिसके खिलाफ हमने शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत में दर्ज कर दी है। अभी देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। जी, वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि प्रकाश आम्बेडकर के जो वंचित हैं, बहुजन अघाड़ी, उनका भी समर्थन आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने अकोला सीट पर उम्मीदवार बनाया है, तो इसका कांग्रेस की राजनीति पर किस तरीके से प्रभाव देखने को मिल सकता है? ये देखिए, बातचीत चल रही है, उनका भी उद्देश्य, हमारा उद्देश्य एक ही है, देश का लोकतंत्र और देश का संविधान बचाना। बातचीत चल रही है और हम अपेक्षा करते हैं कि प्रकाश आम्बेडकर जी हमारे साथ आ जाए। हमने उनको 5 सीट का ऑफर दिया था और अपेक्षा है कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हम चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है किसी सीट की नहीं है, ये लड़ाई देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने की, और हम अपेक्षा करते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, वो आ सकते हैं साथ में, हम अभी भी हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। जी बिल्कुल, अगर बीजेपी और शिवसेना की बात करें तो उनको भी सीट को लेकर कहीं ना कहीं मनमुटाव देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि ये जो मनमुटाव है लोकसभा चुनाव के बीच, इससे कांग्रेस को कितना लाभ मिल सकता है महाराष्ट्र में? नहीं देखिए, हमारी लड़ाई तो बड़ी है, उनको तो हम हराएंगे, ये हमारी बात तय है, लोगों के साथ मिलकर लोगों ने भी ये बात को ठान लिया है। रही बात तो सिर्फ मनमुटाव नहीं है, मारामारी है, बंदूकें चली है, खून हुए हैं,
और अभी भी कल्याण ठाणे हो गया, नासिक हो गया, इन सीटों के बारे में अभी भी कुछ बता नहीं पा रहे। इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान बहुत बड़ा है। उनके वंशज उदयन राजे भोसले जी को उन्होंने 4 दिन तक जो है दिल्ली में बिठा कर रखा, अमित शाह जी ने समय नहीं दिया। जब वोट मांगने की बात आती है तब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, और जब उनके साथ न्याय करने की बात आती है तो अन्याय करते हैं, उनका अपमान करते हैं। ये महाराष्ट्र में ऐसा नहीं गया है, उन्होंने महाराष्ट्र के किसान के साथ पूरा किया है, महाराष्ट्र के युवाओं के साथ पूरा किया है, महिलाओं के साथ किए गए वादे जो है वो पूरे नहीं किए है, उसके ऊपर भी अन्याय किया है। तो महाराष्ट्र से बीजेपी का पसंद जो है वो तय है। जी वही अतुल जी, अगर बात करें भिवंडी और सतारा सीट की, तो वहां पर भी पवार गुट के साथ जिस तरीके से बातचीत चल रही है, क्या लगता है कांग्रेस को किस सीट पर टिकट मिल सकता है, या कांग्रेस पृथ्वीराज को मौका दे सकती है सतारा सीट से, क्या लगता है? देखिए बातचीत चल रही है, कौन जीत सकता है इसके ऊपर चर्चा चल रही है, सर्वे चल रहे हैं, और अपेक्षा है कि सांगली और भिवंडी जो है दोनों सीटें कांग्रेस को लड़ने के लिए मिल जाएगी। हमारी चर्चाएं अच्छे वातावरण में चल रही है, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, और वरिष्ठ स्तर पर हाईकमांड जो है इसके ऊपर निर्णय लेगी। वहीं अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से कांग्रेस के मुद्दे रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं? देखिए कांग्रेस हर सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है। इस महाराष्ट्र ने कभी जिस तरह की राजनीति देवेंद्र फडणवीस जी ने और बीजेपी ने की है, वो महाराष्ट्र के लोगों को कतई पसंद नहीं आई है। इन्होंने पार्टियां तोड़ना, घर फोड़ना, लोगों को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाकर अपने पार्टी में शामिल करवा लेना, ये सारी बातें बहुत गलत तरीके से लोगों में गई है। लोगों को बिल्कुल ये बातें पसंद नहीं आई है। दूसरी बात, बेरोजगारी बेताशा पड़ गई है। आप पेपर लीक करते हो, कितने कितने सालों से आपने भर्ती नहीं कराई है। पहले 72,000 का लोगों को गाजर दिखाया, फिर 75,000 मेगा भर्ती का गाजर दिखाया, लेकिन वो तो धरातल पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। किसानों को आपने खरीफ में और रबी दोनों दोनों फसलों के वक्त किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बारिश की वजह से, ओले की वजह से, उसमें किसानों को किसी तरह की राहत नहीं है। फसल बीमा योजना में किसी तरह की राहत नहीं है। तो हर तरह से जो है महंगाई से परेशान है, हर तरह से महाराष्ट्र की जनता परेशान है। बीजेपी को इसका जवाब जो है वो चुनाव में मिलने वाला है अभी। जी बिल्कुल अतुल लोंडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के